कौन मोदी, क्या मोदी भाई, क्या मोदी है? हम सुबह देखियो जी, अपने सारा सिस्टम इकट्ठा हो गए, दिल्ली जाम कर देंगे। सब पहलवान लोग आ रहे हैं? हाँ, सब पहलवान, हरियाणा से पंजाब से सब चल रहे हैं। सुबह तक यहाँ भीड़ हो जाएगी पूरी, सुबह तक भाई तानाशाही हो रही है। ठीक है, हरियाणा में तो मारेंगे इन मोदी। ठीक है, सरकार ने भी मारा नेता ठा लिया, बहन चोरानी तानाशाही हो रही है, आज देगा मोदी मारा है भाई। जंतर मंतर में जिस तरह से पहलवानों के बीच से जो खबर निकल कर आई, उससे पूरे देश में जिस तरह इसका मानो के हड़कंप सा मच गया, देख रहे हैं यहाँ लोग रेसर दबाने की, दबाने की। हाँ, लेकिन हम विशेष जाति थे, दबे नहीं गए। जिन्होंने विशेष जाति, उस जाति था, हम दबिया नहीं कर दे। किसान आंदोलन में मोदी जो काया ब्रजभूषण तो सौदा के हमारे आगे, हाँ मैं जो फैसला कर लिया रहे ना, फिर अपने आप की भी नहीं सुने यार दे। यो खून हमारा इतिहास है, हमारे बड्डिया का भी है और हमारा भी है। जिस तरह से अंदर की खबर निकल कर आ रही है, उससे क्या लग रहा है? ये दबाने की कोशिश कर रही है, सोच रही है धरना उठा दिया, ऐसे धरना थोड़ी उठेगा। सुबह देखिए यहाँ भीड़, हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान दिल्ली जाम, एक कॉल की दूरी है। जैसे नूनी का रहा है भाई, एक वो फोन हम इच्छा ने मार दिया पुलिस वाला द्वारा, वो ही मारा फोन है, एक मिनट में दिल्ली जाम। तो यहाँ तो धारा 144 लगा दी गई है ना, रात का दबाने की कोशिश है, धारा 144 नहीं दबाने की कोशिश है, इधर ना उठाने की। दीपेंद्र को अरे वो डिटेन कर लिया गया है। हाँ, दीपेंद्र उठा गिरफ्तार कर लिया इन्हें। हाँ। तो ऐसे काम नहीं चलिया करता। हाँ। हम सुबह देखियो जी, अपने सारा सिस्टम इकट्ठा हो गए, दिल्ली जाम कर देंगे। सब पहलवान लोग आ रहे हैं? हाँ, सब पहलवान, हरियाणा से पंजाब से सब चल रहे हैं। सुबह तक यहाँ भीड़ हो जाएगी पूरी, सुबह तक। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो आप रात को आए हैं? है भाई तानाशाही हो रही है। ठीक है, हरियाणा में तो मारेंगे इन मोदी। ठीक है, सरकार ने भी मारा नेता ठा लिया, बहन चोरानी तानाशाही हो रही है, आज देगा मोदी मारा है भाई। कौन मोदी, क्या मोदी भाई, क्या मोदी है? ये जब ना दिखते बहन, जो जब देश में मेडल लिया, जब नहीं दिखते ये बना दिए कौम के रे कास्ट के। अरे 144 लगा दी गई है ना? हाँ, 44 लगा दी गई है भाई, किसी को जाने नहीं दे रहे। तो फिर क्या, अब क्या करे? दीपेंद्र उड्डा ही जाने दिया भाई, हमने कौन जाने दिया? अब दीपेंद्र उड्डा नहीं जाने दिया, तो हमने जाने दे रहे भाई। आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए किसान पहलवानों के समर्थन में? सवाल दो है। रात का वक्त था, बेटियां अकेली थी, अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो क्या ही एक प्लानिंग है कि उन बैरिगेडिंग के अंदर बेटियों को रखा जा रहा है? हमें क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? आप मुझे बताइए, 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, पुलिस किस धारा के तहत हमें रोक रही है? क्यों रोक रही है? हम निहत्ते लोग, हमारी चेकिंग कर लीजिए, हमें बेटियों से मिलने दीजिए। धारा 144 लगा दी गई है ना? एक आदमी को भेज देते, दीपेंद्र तो अकेले थे, उसमें 4 होते हैं तो कम से कम। क्या चल रहा है अंदर, कुछ पता समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप दो, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। धारा 144 में 4 आदमी चाहिए ना, मैं अकेला अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ, मैं अकेला अपनी बेटियों से दिनांक मिलना चाहता हूँ, अकेला, मेरे साथ मेरा PSO भी नहीं जाएगा। विदाउट सिक्योरिटी आ रहे सर, मेरा साथ, मेरा मेरा मेरे साथ मेरे PSO भी नहीं, मेरे मेरे साथ सर, आपको मेरे मेरे लिए एक मिनट मैडम, आप थोड़ा पीछे हो रहे हैं सर को, एक मिनट मैं बिल्कुल आराम से, एक मिनट बिल्कुल आराम से, मैं अपनी बेटियों से मिलकर उनका हालचाल पूछना चाहता हूँ। जी सर, मेरे को और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने साथ अपना PSO भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं अकेला आदमी जाऊंगा, अकेला। जी सर। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूँ, आपने धारा 144 बता दी। जी सर। मैं एक, 4 आदमी होते हैं ना, मैं एक, दो दूसरा आदमी नहीं, नंबर 1, नंबर 2, दूसरी बात मैं उनसे मिलके, उनसे हालचाल उनका पूछकर, उनको सांत्वना देकर और उनको हौसला देकर मैं आ जाऊंगा विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट, मैं केवल 5 मिनट की बात कह रहा हूँ, 5 मिनट से मैं 6 मिनट नहीं करूँगा, मैं स्पष्ट रूप से केवल 5 मिनट कह रहा हूँ, 6 मिनट नहीं। और उसमें और मैं साथ में जो है सबसे अपील करके, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई ये अति संवेदनशील स्थिति है, हमारा आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है, इसको पूर्णतः शांतिपूर्ण, इस आंदोलन का हम बेटियों के साथ रहेंगे। मैं इसमें आपको इसमें क्या दिक्कत हो सकती है आप बताओ, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अभी यहाँ पे सर कुछ इश्यू हो गए सर, नहीं वो इश्यू हो गए इसीलिए हम आए, इश्यू हो गए इसीलिए आने से सर, शांति भंग का संदेश है सर, अगर आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो हमें आपको डिटेन करना पड़ेगा सर, मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं मैं सर, आप हमको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बोल रहा हूँ कि आपके आने से शांति भंग होने का संदेश है, इसलिए हमारे
जाइए। मैडम आपको पुलिस ही अगर अशांति करे माइक लाओ ना इधर। अनूप माइक, प्रशासन ये कह रहा है कि अगर यहाँ से आपने दो कदम भी आगे रखे तो हमको मजबूरन डिटेन करना पड़ेगा। देश के जो पहलवान जो वर्ग है वो यहाँ जंतर मंतर पे आने की बात कर रहा है सुबह तक, जिस तरह से क्या लगता है। लेकिन जंतर मंतर पे धारा 144 लगा दी गई है, आगे क्या होता है आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें अभी थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा को डिटेन कर लिया गया और यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ क्या अंदर चल रहा है ये अभी तक अपडेट नहीं है। बाकी की खबरों के लिए बने रहे HNP न्यूज के साथ, मीडिया गौतम, धन्यवाद।